तब एक चीज बहुत क्लियर है कि ये ट्रेंड बदलने नहीं वाला है, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ आने ही वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे तो मैं भी अभी आपको एनालाइज करके बताऊंगा, मैंने अभी इतने कम समय में पूरा एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ इंग्लिश का पैटर्न बदल गया सर, इंग्लिश में तो हम मर गए सर, ये हो गया सर, वैसा हो गया। अब देखिए सर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तरीका है, जो सीडीएस ने रंग रूप शो किया वो आज से एक साल पहले भी हुआ था। जैसे पिछले दो अटैम्प में सीडीएस में पॉलिटी के कम क्वेश्चन आए, तो बच्चों को लग रहा है कि पॉलिटी छोड़ दो, और अभी पॉलिटी के अगर आप देखोगे तो 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर हम दूसरी बात यहाँ पे करें तो नई चीज़ एक ये देखने को मिली कि पॉलिटी, देखो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एक अलग सब्जेक्ट है। अगर आप उस पेपर से अब कंपेयर करोगे जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी करी है, तो आपको पता है कि ये वाला जो पेपर है वो आपका बढ़िया गया होगा। लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लाइटली इजी था, उससे पहले जैसे पेपर जाते थे उस तरह का पेपर था। Unacademy, let's crack it. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Unacademy Defense Gurukul। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल CDS 1 2024 एग्जाम था, और काफी सारे बच्चे उस पेपर को देख के शॉक्ड थे कि क्या सर पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ चेंजेस देखने को मिले, जनरल स्टडीज में कुछ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, मैथ्स में तो ऐसा देखा गया कि पेपर जिस पैटर्न पर आता है उसी पैटर्न पर था। तो बच्चों का क्या रिएक्शन रहा, और एक्चुअल में इस सीडीएस 1 2024 एग्जाम से हमें क्या सीखने को मिला, अगली अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हम एजुकेटर्स आपके सामने एक डिस्कशन करेंगे, और ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा एंड प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो मैं, जैसे कि हमारा सीडीएस का पैटर्न होता है बच्चों, सबसे पहले इंग्लिश का एग्जाम होता है, फिर जनरल स्टडीज़ का होता है, फिर मैथ्स का होता है, तो हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो हमारी इंग्लिश की जो फैकल्टी है सिद्धांत शर्मा सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि सिद्धांत शर्मा सर बताएं कि सर कल काफ़ी बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि सर पैटर्न चेंज हो गया है और अलग ही पेपर आ गया है, तो सर क्या चेंजेस देखे गए, और अगला जो सीडीएस एग्जाम है उसके लिए बच्चों की इंग्लिश को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। जी सर, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे मेरे को बहुत से मैसेज आए कि सर इंग्लिश का पैटर्न बदल गया सर, इंग्लिश में तो हम मर गए सर, ये हो गया सर, वैसा हो गया। अब देखिए सर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तरीका है, जो सीडीएस ने रंग रूप शो किया वो आज से एक साल पहले भी हुआ था। होमोफोन्स भी आए थे, वर्ड मीनिंग्स भी आए थे, राइट। तो मेंटली मैंने आप लोगों को ये कहा था कि चेंज के लिए रेडी रहिएगा। अब देखो सर, यहाँ पे मैं वही बात है हमारी जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, कि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए है। आप वही चीज जानिए कि भाई कम मतलब एक फास्ट एंड फ्यूरियस में बात कही गई थी कि भाई थोड़ा फायदा पूरे नुकसान से तो बेहतर है ना, कि अगर मैं सीधा सीधा पेपर का बाइफर्केशन करूं तो 90 क्वेश्चंस वो थे जो रेगुलर पैटर्न पे रहते हैं, और 30 क्वेश्चंस मैं मानता हूं उन्होंने नई नई चीजें डाली, जैसे इस बार वो जिसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, है ना, एमबीए एंट्रेंसेस में आते हैं, वैसा कुछ इन्होंने प्रेजेंट किया। तो वो जो 90 क्वेश्चंस थे ना, एक बात बच्चों आप सब एक्सेप्ट करेंगे कि भाई उनको इन 30 के चक्कर में यूपीएससी ने बहुत ईजी किया, है ना। तो वो क्या बिल्कुल पीस ऑफ केक थी बच्चों के लिए, एंड ईडियम्स कितने इजी थे, आप एक देखो हमारे सैंपल पेपर में से दो आ गए थे, है कि नहीं। तो द थिंग इज गाइस, पहली बात हम जैसे बोलते ना, पिक द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट, तो बच्चे अगर वो करते तो डेफिनेटली उसको मतलब संभल पाते। अब आप एक बात और देखिएगा कि इसको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए हमारा एक और सेशन जरूर आएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप जो गलतियां करके आए वो ये थी, पहली बात आप बौखला गए पेपर देख, है ना, कि पहले देखो अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है। जैसे वैसे मैंने सेट ए सॉल्व करवाया, सेट ए तो ठीक था कि 90 प्लस लास्ट पे वो थे, लेकिन सेट सी डी में वो पहले थे, बच्चे बेचारे संभल ही नहीं पाए कि क्या हो गया, एंड पहले ही अगर हौसला हार देंगे तो कैसे चलेगा बच्चा लोग, है ना। तो मैंने लास्ट दिन भी आपको ऑल द बेस्ट बोलते हुए यही कहा था कि यूपीएससी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, और आप लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाते तो बहुत अच्छा रहता गाइस, एंड अपना मोरल एग्जाम में हमेशा संभालना है, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। और गलतियां जो बच्चों ने की वो मेजरली ये थी गाइज, कि जो वो इंपोर्टेड वर्ड्स आए, ठीक है गाइज, सेशन में ना आप अगर नोटिस करेंगे, जैसे देजावू वर्ड है,
मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भाई देजा वो, मतलब रिसेंटली मैंने बोला मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है ना, उसको ना दिखता है, मैं बताऊँ देजा वो, ये चीजों को हमेशा नोटिस किया करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो गलतियां की हैं, डोंट वरी, इनको कैसे सुधारना आपको बताएंगे, लेकिन पैनिक स्ट्रक जो बच्चा हुआ वो बिल्कुल डूबेगा, ठीक है, जो संभाल गया अपने आप को वो जरूर चलेगा सर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सर यही जो है पैटर्न को चेंज किया इस बार। सर मैंने नोटिस किया कि भाई साहब हमारे इंग्लिश में आपकी पॉलिटी भी आ रही है, आपकी हिस्ट्री के भी वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, कि एपिथेट एंड सो ऑन, भाई साहब। तो डेफिनेटली जीएस भी इंग्लिश में इंक्लूड होने लगी है, तो आप जानते हैं बी रेडी फॉर द चेंजेस गाइस, ओके। तो थैंक यू सो मच सिद्धांत सर फॉर योर लवली डॉक्टर, जो भी आपने बताया बच्चों के लिए, राइट। मैं खुद जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ बच्चों, आपको पता ही है, बट आज मैं चाहूँगा हमारे बीच एक बहुत ही शानदार फैकल्टी बैठी है हिस्ट्री की, हमारे मुक्तक राठौर सर, जिनकी हिस्ट्री के ऊपर बहुत ही अच्छी कमांड है, ठीक है। तो मैं आज अपने से शुरुआत ना करके मैं मुक्तक राठौर सर से शुरुआत करना चाहूँगा कि मुक्तक सर आप बच्चों के साथ बताइए कि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर था उसमें हिस्ट्री को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप हिस्ट्री की एक बहुत प्यारी फैकल्टी हैं, तो और ओवरऑल आपका जनरल स्टडीज के पेपर को लेकर क्या जो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया क्षेत्र। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों ये जो पिछले दो बार के जो पेपर्स आए हैं ना, इससे मैं एक कंक्लूजन पे तो आ चुका हूँ कि यूपीएससी ने सीडीएस में हिस्ट्री के लेवल को बहुत रेज कर दिया, और क्योंकि आप लोग सीडीएस का एग्ज़ाम देते हो जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो अब वो आपसे एक्सपेक्ट भी ये कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के लेवल पे जो आप हिस्ट्री स्टडी करते हैं वहाँ से वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी के वो परे चले गए, हाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे, थे डेफिनेटली जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थे या उसके फैक्ट से या उसकी थ्योरी से रिलेटेड थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे, और वो इसीलिए है क्योंकि एक बहुत क्लियर चीज़ है कि जिस तरह एनडीए 12th लेवल पे होता है तो 12th तक की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस वो पूछते, लेकिन हिस्ट्री में अब वो जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो 12th से ऊपर चले गए, ग्रेजुएशन लेवल पे जो हिस्ट्री पढ़ी जाती है, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, वहाँ से क्वेश्चंस उठा के दिए हुए। तो अब ये स्ट्रैटेजी जो है मुझे भी चेंज करनी होगी और आपको भी चेंज करनी होगी। जनरली आपने जो अभी तक पढ़ा और आप भी पुराने कई साल के पेपर्स के आधार पे जो पढ़ते आए थे, तो आप यही सोच रहे थे कि हाँ एनसीईआरटीज़ को अपन पढ़ लेते और उसी से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमारे लग जाएंगे, और आप गलत भी नहीं थे, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन पेपर का अब जो पिछले दो साल से एनालिसिस हुआ, पिछले साल भी टफ आया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद पिछले साल बहुत टफ बना दिया है, शायद इस बार उसको बैलेंस कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनफैक्ट पिछली बार से भी ज़्यादा टफ उसको दिया है। तब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये ट्रेंड बदलने नहीं वाला है, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ आने ही वाले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, तो मैं भी अभी आपको एनालाइज करके बताऊँगा, मैंने अभी इतने कम समय में पूरा एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के प्रिलिम्स के कई क्वेश्चंस सीडीएस के अंदर पूछे गए हिस्ट्री से रिलेटेड, डायरेक्टली भी हो सकते हैं इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, ये मैं एनालिसिस करके बताऊँगा जल्दी किसी वीडियो के अंदर, बट ये हुआ है कि सिविल सर्विसेज का आज से दो साल पहले का जो लेवल हुआ करता था उस तरह के हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, जिनको देख के इवन सिविल सर्विसेज में भी स्टूडेंट्स को ऐसा होता था कि दे हैड नो क्लू अबाउट इट, और यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारा शत्रु हमारा ओपोनेंट हमारे सामने नई चुनौती लेके आता है, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज करें और उस चुनौती के लिए तैयार रहें। तो ठीक है, गलती हुई इस बार अप्रोच में, हम समझे नहीं कि ये ट्रेंड कैसा होगा, लेकिन इस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है और डेफिनेटली करेंगे इस गलती को दुरुस्त। लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं बताना चाहूँगा कि रेगुलरली जब आप स्टडी करते हैं तो अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश कीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप रेगुलर नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं ना, तो जब एग्ज़ाम की तैयारी वो शुरू करते हैं तब वो बहुत जोश में होते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती, परिवार में कोई मैरिज फंक्शन आ जाता है, कभी दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे निकल जाते हैं, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली घर में कुछ मिसहैप भी हो सकता है किसी के, जिसकी वजह से उनकी कंटिन्यूटी टूट जाती, और ये बहुत ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो पेपर ख़राब होता है ना उसकी वजह ये होती है, वो कंटिन्यूस नहीं रह पाते अलग अलग वजहों से, कि अब जैसे इस हफ्ते में तीन दिन नहीं पढ़ पाए तो वो सोचते कि अब ये हफ्ता तो ख़राब हो ही गया, दो दिन और इन्जॉय कर लेते हैं, अगले मंडे से बहुत बढ़िया पढ़ाई करेंगे,
और वो अगला मंडे कभी आता नहीं। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि कंटिन्यूटी आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ में बना के रखनी होगी। जनरली स्टूडेंट्स फिर तब जागते हैं जब नोटिफिकेशन आता है कि अब तो नोटिफिकेशन आ गया है, अब तो एक महीना बचा है, दो महीने बचे तो अब भिड़ जाओ। फिर वो 18 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे, और उस 14 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे में क्या होता है ना कि वो एक जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। तो इससे अच्छा है कि 4 घंटे पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, और हर दिन ऐसा मान। अच्छा, कई लोग ना घंटे से पढ़ते कि 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, घंटे से कभी मत पढ़ो, टारगेट बना के पढ़ो। आज का टारगेट सेट करो कि आज मुझे 2 चैप्टर्स पढ़ने। अब अगर वो 2 चैप्टर्स आप 1 घंटे में कर लेते हो और अभी भी आपके अंदर एनर्जी है तो 2 चैप्टर्स और कर लो, नहीं तो कम से कम जो आपने टारगेट सेट किया आपके लिए उसको पूरा कर लो। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो मैंने हिस्ट्री वगैरह का अप्रोच बताया वो तो ठीक ही है, लेकिन ओवरऑल भी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ टारगेट सेट करके पढ़ाई करो कि मेरे को इतने टॉपिक्स आज पूरे करने, फिर उसमें 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे या 6 घंटे लगे। और इस तरह से जब आप करते जाओगे तो आप खुद सोचो कि अगर 1 महीने तक भी आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया तो आप बहुत सारा सिलेबस कवर कर लोगे और फिर आप एक सरप्लस पोजिशन में जाके बैठ जाओगे। फिर आपको रिविजन का बहुत ज़्यादा टाइम होगा, और जब हमारे पास रिविजन का बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो हम एक्स्ट्रा पढ़ पाते, और जब हम एक्स्ट्रा पढ़ पाते तब इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पढ़ने को हमको मिल जाता, मौका मिल जाता हमको कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ले, क्योंकि जो बेसिक था वो तो आपने कवर कर लिया। अब बेसिक के अलावा एक्स्ट्रा, भाई ढांचा तो आपने बना दिया लेकिन इस ढांचे के ऊपर अब आपको डेकोरेशन करना है, ऊपर एक बड़ा शिखर बनाना है, विमान बनाना है, गुंबद बनाना है, उसका टाइम आप अपने आप को नहीं देते, और इसलिए क्योंकि रेगुलर नहीं रहते। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है रेगुलर रहो, अपना बेसिक ढांचा जो पढ़ाई का होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको पढ़ लो एक बार, तो एक्स्ट्रा पढ़ने का समय मिलेगा, तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में जो मैंने बताया? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अलाइन हूँ, और जो भी आपने बोला बहुत अच्छे से आपने अपने सारे पॉइंट बच्चों को समझाए। तो मैं ओवरऑल पूरे जनरल स्टडीज़ के पेपर की बात कर लेता हूँ। मुक्तक सर ने बेसिकली पूरा फोकस हिस्ट्री पे किया, तो मैं पूरा ओवरऑल एक बार जनरल स्टडीज़ का डिस्कशन आपके साथ करता हूँ, क्योंकि क्या सीखा हमने जो पेपर कल हमने देखा सीडीएस के अंदर जनरल स्टडीज़ का, उसमें हमने क्या सीखा एज अ फैकल्टी ऑफ एन अकेडमी में, मतलब ओवरऑल पढ़ाते हुए मुझे अभी तक 8-9 साल हो चुके हैं, और मैंने इस एग्ज़ाम से क्या सीखा मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने चीज़ सीखी कि यूपीएससी को आप लिटरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे पिछले 2 अटैम्प्ट में सीडीएस में पॉलिटी के कम क्वेश्चन आए तो बच्चों को लग रहा है कि पॉलिटी छोड़ दो, और अभी पॉलिटी के अगर आप देखोगे तो 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर हम दूसरी बात यहाँ पे करें तो नई चीज़ एक ये देखने को मिली कि पॉलिटी, देखो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एक अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन इस सीडीएस में देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है कि पॉलिटिकल साइंस जल्दी यूपीएससी सिविल सर्विस का बच्चा पढ़ता है। फिर आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिले। फिर तीसरी बात अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, और कहीं ना कहीं हम एक सीडीएस वाले बच्चे से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा ये सब नहीं पढ़ता है, बच्चा पॉलिटी पढ़ ले वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का आना, आप कह लो आईआर के क्वेश्चन का आना, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन आना, ये चैलेंजिंग था, क्योंकि बच्चे सर जब सीडीएस की तैयारी करते हैं तो उनको बस रहता है 4 सब्जेक्ट कर लो, पॉलिटी हिस्ट्री साइंस और पॉलिटी हिस्ट्री साइंस और ज्योग्राफी। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखना, आप ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सर 95% बच्चों को मैंने देखा इस एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स स्किप करके जाते हैं, और इस बार बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स ने बैंड बजाई है सर, लगभग 18-19 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, कभी इतने सवाल इंडियन पॉलिटी के आते थे, और आप देखिए इस पेपर में 18-19 सवाल इकोनॉमिक्स पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। थोड़ा डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो कहीं मैंने कहीं सारे टीचर्स को इकोनॉमिक्स छोड़ दो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो, इनफैक्ट कई बार मैंने भी बोल दिया होगा कि इकोनॉमिक्स कम आते थे कुछ, मैंने खुद भी बोल दिया होगा लोग, पर अब आप इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ सकते। अगर इस पेपर में किसी बच्चे की इकोनॉमिक्स, मैं कहता हूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में कमांड होती, वो भी इस पेपर को निकाल जाता।
कि मुझे पता साइंस भी अच्छे खासे लेवल की पूछी गई थी, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत टफ थे, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि सारे क्वेश्चन नहीं करने आपको, कुछ क्वेश्चन पेपर में छोड़ने के लिए भी होते हैं, और कट ऑफ कम जानी है, पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, लेकिन इस पेपर को देखते हुए अब आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और मैं बार बार बोलता हूँ 120 में से जिस बच्चे ने इस पेपर में 50 क्वेश्चंस भी कर दिए ना, उसके भी अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। तो अगर 120 में से आप 50 क्वेश्चन भी करते हो तो सोचो 70 तो छोड़ने के लिए थे सर, 70 क्वेश्चन तो फिर छोड़ने के लिए थे ना, अगेन पेपर सबके लिए टफ था। तो ये चीज मैंने रियलाइज करी। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट में ऐड करूंगा, मेरे ख्याल से हर एजुकेटर मेरे साथ यहाँ एग्री भी करेंगे, खासकर सर आप जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं, आप भी बताइए, क्या सर आपको लगता है कि ये जो बच्चे पेपर से पहले दो दो तीन तीन घंटों की वीडियोस बैठ के देखते हैं, एक महीने में तैयारी करने की सोचते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके से, अगर चलो थोड़ा बहुत काम चल भी जाता होगा ना, अब नहीं चलेगा। अब आपको डेडिकेशन से कम 6 महीना इस पेपर को देने पड़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो जनरल स्टडीज का पेपर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का पेपर हो, छोटी मोटी तैयारी से पेपर नहीं निकलेगा। यू हैव टू वेरी सीरियस फॉर दिस एग्जाम। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे संदीप सर, जो कि हमारी मैथमेटिक्स की फैकल्टी हैं, इनसे पूछना चाहूँगा कि सर कल जो सीरियस एग्जाम हुआ है, मैथमेटिक्स का क्या लेवल था, एंड आपने क्या सीखा, एंड बच्चों की किस तरह, मतलब आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी सर, सो अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगा 2023 के सेकंड पेपर से, बिकॉज उस टाइम क्या हुआ था, पेपर का जो लेवल है वो पहले से थोड़ा सा हार्ड आ गया था, तो उस टाइम से जो हमने स्लाइड्स को चेंज करा, प्रैक्टिस को चेंज करा, वो थोड़ा सा हमने उठा दिया था, डिफिकल्ट बना लिया था, सो दैट कि अगर नेक्स्ट टाइम जो है वो उसी तरह का पेपर आता है या फिर उससे भी डिफिकल्ट आता है तो हम उसमें बढ़िया कर पाए। अगर आप उस पेपर से अब कंपेयर करोगे, जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी करी है, तो आपको पता है कि ये वाला जो पेपर है वो आपका बढ़िया गया होगा। लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लाइटली इजी था, उससे पहले जैसे पेपर जाते थे उस तरह का पेपर था, बस सिर्फ 2023 का थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, बट हमने उस तरह से ही लेवल को बढ़ाया हुआ था जिसका आपको इस पेपर में बेनिफिट मिला होगा। हाँ, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिले, वो थोड़े से चेंजेस यहाँ पे भी थे। जैसे अगर आप नंबर सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस था कि इससे पहले सीडीएस मैथ्स में सिर्फ यूनिट डिजिट तक क्वेश्चन आता था, इस बार टेंस भी नहीं, सीधा 100 डिजिट पे जो है वो क्वेश्चन आया था, तो वो एक थोड़ा सा चेंज था जो आई थिंक डायरेक्टली आपने नोटिस करा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होता था कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपने देखा और आप उस पर टूट पड़ते होंगे ओवर वो भी फर्स्ट आर के हिसाब से, बट इस बार वो क्वेश्चन चेंज हुआ तो हम उसको ऐड करेंगे। वो एक ऐसा टाइप था जो चेंजेस हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि उसमें सीधा हमें रूट्स पूछे जाते थे, इस बार भी रूट बेसिस पे ही था बट वो डिफरेंस करके हमसे पूछा था, तो वो ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वो चेंजेस हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो हम उस हिसाब से ऐड कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो हम बार बार इस चीज पे बात करते हैं कि अगर आप सीडीएस मैथ्स के लिए जा रहे हो तो आपको अरिथमेटिक भी करना है, आपको एडवांस मैथ्स भी करना है। अरिथमेटिक के सिर्फ 20 क्वेश्चन थे, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको डिफिकल्ट लगा होगा, डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप छोड़ के आए होंगे, सारे क्वेश्चन डूएबल थे। एडवांस मैथ्स के जो हैं वो आपके पास 80 क्वेश्चन थे, उसमें से अगर आप 50 क्वेश्चन छोड़ भी देते, ठीक है ऐसा मान लेते हैं, तो एक एवरेज बच्चा अगर 50 का स्कोर करेगा तो जैसा आई थिंक सर बता रहे हैं कि जीएस डिफिकल्ट गया है, इंग्लिश जो है वो लगभग मॉडरेट रहा है, तो उस हिसाब से अगर किसी बच्चे के 50 मार्क्स मैथ्स में बन रहे होंगे तो वो बिना ओटीए के भी आईएमए क्लियर कर रहा होगा। तो इस तरह से हमारा मैथ्स का पेपर है। बाकी जो है आगे के लिए जो है वो हम और ज्यादा बढ़िया करेंगे, जो भी हमें लगा है कि एक दो टाइप जो है वो डिफरेंट ऐड हुए हैं उनको हम डेफिनेटली ऐड करेंगे। बाकी सब पेपर उसी तरह से है, बट अगेन हम पिछली बार से भी फिर से ज्यादा ही मेहनत करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का कोई पता नहीं होता है, इस बार जीएस डिफिकल्ट थी, अगली बार मैथ्स डिफिकल्ट हो, तो हम उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर रखेंगे। बाकी सर आगे जो है वो कंक्लूड करना चाहिए। मैंने जितने भी यहाँ एजुकेटर्स बैठे हैं, मैंने इन सब की बातों से कॉमन मैसेज ये निकाला है कि ये आपके लिए तो एक चैलेंज था ही, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे साथ सारे एजुकेटर्स अलाइन करेंगे कि जितना बड़ा चैलेंज ये आपके लिए था, हमारे लिए भी कहीं ना कहीं उतना ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम भी इस अप्रोच के साथ अब आपको आगे पढ़ाएं कि ताकि इस तरह का भी अगर पेपर आता है तो आप टैकल कर सकें। ठीक है साथियों, बाकी अगले CDS की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए वी विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर यू विद प्रॉपर प्लानिंग। तो इस वीडियो का अंत मैं यहीं पे करता हूं। एक लास्ट में एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस वीडियो से एक चीज जरूर सीखिएगा कि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। ठीक है, बदलाव जो है वो हमेशा आता रहेगा। आप इस चीज के लिए अगर अपने आप को मेंटली हमेशा प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब रहेंगे। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, जैसे मुक्तक सर हमेशा कहते हैं दी एक्स्ट्रा माइल, आप जरा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। तो ठीक है गाइस, हम लोग इस सेशन को सर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच जी। जय हिंद। जय हिंद। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।